नवोदय प्लस टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं शिल्पी सेन। आइए डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की इस ताजातरीन खबर पर एक नजर। बीते रविवार को ब्लॉक बबीना की ग्राम पंचायत लहर ठकुरपुरा गणेशपुरा में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की बबीना ब्लॉक स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें संगठन की मजबूती एवं ग्राम प्रधानों को संगठन की मुख्यधारा से जोड़ने पर बल दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष प्रदीप टांडा ने कहा कि ग्राम प्रधानों को संगठन की मुख्यधारा से जुड़कर अपने अधिकारों एवं मांगों के लिए संघर्ष करना चाहिए। अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य कराने चाहिए, ताकि पंचायतें विकासशील बने। उन्होंने कहा, ग्राम प्रधानों का उत्पीड़न संगठन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरान बताया गया कि लहार प्रधान आज़ाद सिंह यादव ने शराबबंदी पर गांव में विशेष अभियान चलाकर अपने गांव में शराब बंद करा दी है। वहीं गणेशपुरा में प्रधान राघवेंद्र यादव ने भी शराबबंदी पर विशेष अभियान चलाकर अपने गांव में शराब बंद करा दी है और शराब की दुकानों को भी बंद करा दिया है। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल अध्यक्ष प्रदीप टांडा मौजूद रहे, तो वहीं अध्यक्षता विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह राजपूत ने की। इस अवसर पर रघुनाथ यादव ग्राम प्रधान मुस्तरा, ब्लॉक अध्यक्ष बड़ा गांव नगेंद्र नरवरिया प्रधान बैदौरा, दीनदयाल पहलवान ग्राम प्रधान बबीना रूलर, रविंद्र यादव प्रधान गणेशपुरा, हरकिशन वंशकार प्रधान चमरौआ, उमेश अहिरवार प्रधान गुड़ा, देवी दयाल प्रधान दुर्गापुर, सुनील प्रधान हीरापुर, करण राजपूत प्रधान बुड़पुरा, राजेश प्रधान, कालीचरण प्रधान बदनपुर, आज़ाद प्रधान टाकोरी, लाला प्रधान पाली, नरेंद्र राजपूत प्रधान खजराहा, श्यामलाल अहिरवार प्रधान, कोमल अहिरवार प्रधान सिमरावारी, मानवेंद्र प्रधान छपरा, अशोक राजपूत प्रधान, मानवेंद्र यादव प्रधान गौती समेत ग्राम प्रधान व संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष भवानी सिंह मिनी ने किया। अंत में ब्लॉक अध्यक्ष बबीना मौनू सिंह प्रधान सभा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से विजय वर्मा के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने जो है ग्राम प्रधान संगठन की ब्लॉक स्तरीय बैठकों का गठन पिछले सप्ताह किया है। झांसी जनपद की 8 ब्लॉकों में हम लोग नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को संगठन की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से अब ये बैठकें न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित कर रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ न्याय पंचायत स्तर पर बैठक आयोजित की है। दर्जनों ग्राम प्रधान आए हैं। हमने सारे लोगों को संगठन की नीति सिद्धांतों से अवगत कराया है। उन्होंने अपील की है कि वो अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य कराएं, ताकि उनकी ग्राम पंचायतें विकासशील हों, उनकी ग्राम पंचायतों का नाम रोशन हो। साथ ही यहाँ के ग्राम प्रधान आज़ाद यादव और उनके साथी ग्राम प्रधान राघवेंद्र यादव ने अपने गांव में एक नई पहल की है। हमें पता चला यहाँ आने के बाद कि इनके दोनों ग्राम पंचायतों में शराबबंदी हो गई है। इन्होंने अपने गांव में शराब बिक्री पर रोक लगाई है। सारे ग्राम प्रधानों से हम अपील करेंगे, संगठन में एजेंडा भी शामिल करेंगे कि समस्त ग्राम प्रधान अपने अपने ग्राम पंचायतों में शराबबंदी कराएं, ताकि गाँव का विकास हो, युवाओं का भविष्य आगे बढ़े। बहुत पहले से आदमी परेशान हो गए थे। कई लोग तो ऐसे हैं कि रास्ता में पी के आते गिर जाते, कई लोग उठा के उनको घर ले जाते थे। तो हमने एक जी चर्चा चलाई अपनी ग्राम पंचायत में, दोनों ही चलाई हमने, दोनों प्रधान ने, कि अपन पहले शराब पे लगाम लगाएं। तो हमने पहले दुकानों को बंद कराया। इसके बाद इसमें बहुत भी रोक लग गई, कम से कम 75% ही रोक लग गई कि कोई आदमी हमें शराब पीने को नहीं मिल रहा है, ना कोई बेचने को मिल रहा है। आज तक वो अपने गाँव में कच्ची शराब बिकती थी तो औरतें उसमें बहुत परेशान रहती थी। आज वो औरतें बहुत खुशहाली में हैं। वो तो जो पीने वाले हैं वो नहीं है खुशहाली में, जो मतलब औरतें उनके घर से, तो वो ये इतनी खुशी मनाती हैं हमें देख के कि प्रधान जी आपने बहुत अच्छा काम किया है। और सब प्रधानों से हमारी यही अपील है कि हर पंचायत में दारू बंद होना चाहिए। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताज़ातरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।